हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं कोई ब्लॉग ना शूट कर पा रही हूँ, ना ही एडिट कर पा रही हूँ, ना ही उसे अपलोड कर पा रही हूँ। यूट्यूब का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि बच्चों का जो है वो ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू हो गया है और जो मोबाइल है वो बच्चों के पास रहता है। सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, 11 बजे रुपेश का ख़त्म होता है, 11:30 से छवि का शुरू होता है, तो वो 2 बजे तक ख़त्म होता है। फिर जो बच्चों का वर्क रहता है तो मोबाइल पे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, तो इसकी वजह से मोबाइल मेरे पास रहता ही नहीं है कि मैं कोई भी मतलब वीडियो शूट कर पाऊँ। तो इसी की वजह से ना कोई वीडियो शूट हो रहा है, ना कोई वीडियो अपलोड हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये सब देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आज मैं जब ब्लाउज कट की थी ना, तो सोचा था कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पर मोबाइल जो है मेरे पास था ही नहीं, तो मैं शेयर कहाँ से करती। और मैं आपको अपने घर की हालत दिखाऊंगी आज की, कितनी गंदी तरीके से मेरा घर है बिखरा हुआ, क्योंकि आज का जो समय था वो मैंने ब्लाउज को दे दिया था, क्योंकि गणेश चौथ आ रहा है तो इसके लिए मुझे ब्लाउज स्टिच करनी है। ये देखिए, मैंने अभी कट किया है, जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। ये देखिए, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, पूरा बैग बिस्तर सब ऐसे फैला हुआ है। और चलिए अभी किचन में आपको दिखाती हूँ किचन कितना गंदा पड़ा है। ये देखिए, बच्चे जो है ना चाय वगैरह पी के ग्लास भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। आज मैं सुबह से कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ देखिए, सिंक पूरा फुल है। आप सोच रहे होंगे कि ये बोलती है कि सिंक मुझे फुल पसंद ही नहीं है, पर क्या करूँ, आज ब्लाउज कट करके मैं स्टिच कर रही थी, इसकी वजह से मैं सिंक नहीं क्लीन कर पाई। दोपहर का खाना सबको खिलाने के बाद से देखिए मेरा स्टैंड, देखिए बर्तन वाला स्टैंड पूरा खाली हो गया है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आज का इवनिंग का रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया जाए, बहुत टाइम से कुछ भी शेयर नहीं की हूँ। तो चलिए अब बात नहीं करती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ अपना इवनिंग का रूटीन सारे काम। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी जो छत से कपड़े लाई थी मैं, उसे मैं लगा देती हूँ बाहर, क्योंकि ये सब हल्के हल्के गीले थे। और ये कंबल भी छत पे मैंने डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि इस समय जो कंबल है वो मैं डाल देती हूँ रज़ाई कंबल छत पे। तो सब कुछ ही अभी मैं नीचे लेके आई हूँ। और जैसा कि बच्चे नहीं नहाते हैं, एक दिन नहाएंगे एक दिन नहीं नहाएंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा कपड़े जो हैं वो कम हो रहे हैं। वरना तो गर्मियों में, वैसे गर्मियों में कम ही कपड़े होते हैं, पर ठंडियों में एक ही बार निकलता है पर पूरा निकल जाता है। तो अभी देखिए, मैंने जो ब्लैंकेट था उसे मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और अभी मैं बेड जो है उसे क्लीन करूँगी। और यहीं बैठ के मैं सिलाई कर रही थी, यानी कि जो मेरा ब्लाउज था उसे मैं स्टिच कर रही थी। तो सारे को अच्छी तरीके से, जितना भी उसका पार्ट्स है ना ब्लाउज का, वो सब मैं अच्छी तरीके से रख के और मशीन का कवर लगा के मशीन को अलमारी में रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने बेड को क्लीन करूँगी। तो ये देखिए, बेड भी मेरा क्लीन हो चुका है। फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि बहुत सारा बर्तन है, मैंने दिखा दिया है आपको। और मंदिर में पूजा हो गया है, ये मैंने दिखा रही थी आपको कि देखिए मंदिर में दिया जल रहा है। अभी मैंने सेल्फ भी साफ़ कर लिया है, गैस भी साफ़ कर लूँगी। और अभी चाय बना के मैंने पी लिया है। अरे रुपेश से मैं बातें कर रही थी, उसे दिया था मैंने खाना खाने के लिए, तो सब्जी वो ना सिंक में डाल देता है, ऐसा ही करता है वो। तो वही सब्जी मैं उससे पूछ रही थी कि मतलब बताओ, ऐसे तुम इतनी महंगी सब्जी है और तुम उसे फेंक रहे हो। तो उसी से बातें करते करते मैं वही उसे डांट भी लगा रही थी। तो अभी देखिए कितना ढेर सारा बर्तन है, आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो कितना सारा बर्तन है। तो अभी बर्तन मैंने सारे बर्तन जो है उसे वाश कर लिया है, बस धो के सारा स्टैंड में मुझे लगाना है। और काफ़ी बर्तन पूरे दिन भर के बर्तन थे, यानी कि दोपहर से लेकर के शाम तक का पूरा बर्तन था। तो अभी मैं सारा बर्तन धुल लेती हूँ और अपना जो सिंक है उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी, वाइप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बर्तन क्लीन कर लिया है, देख सकते हो सिंक साफ़ हो गया। अब चलती हूँ डिनर की तैयारी करने। तो फ्रेंड्स, अभी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और आज सोच रही थी मैं कि आलू और बैंगन की भुजिया बना दूँ, क्योंकि सुबह की भी सब्जी जो है वो बची हुई थी, और आलू गोभी की मैंने सब्जी बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी। और बच्चे जो है बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए मैं बैंगन की सब्जी बना रही थी। तो अभी देखिए, मैंने ये तड़के के लिए मिर्चा लहसुन काट दिया है और सब्जी भी मेरी कट गई है। और यहाँ मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए इस आकार में मैंने कट करके गाजर को, और 3 सीटी आने तक मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। और देखिए गाजर जो है कितना सॉफ्ट हो गया है,
मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो फिर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, इस कढ़ाई में मैं 3-4 चम्मच मतलब देसी घी जो है वो डालूंगी। मैं हलवे वगैरह में घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने 3-4 बड़े चम्मच से ले लिया है घी। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो ये जितना भी मतलब गाजर है ना वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी। मैं फ्रेंड्स मैं मतलब ग्रेट नहीं करती हूँ गाजर को, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए इस तरीके से बनाइए ना तो बहुत जल्दी जो है मतलब हलवा बन भी जाता है और ग्रेट करने में काफ़ी मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए अभी जो है मैं इसे ऐसे ही कुछ पलटे की सहायता से इसे कुछ इस तरीके से कूटते कूटते मैं एकदम मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो कूटते कूटते जो गाजर है वो बिल्कुल जैसे कद्दूकस के जैसा ही हो गया है। इसी तरीके से मैं इसे भून लूँगी जब तक कि पानी पूरा जो है गाजर का वो सूख ना जाए। और इधर मैं ड्राई फ्रूट है उसे कट कर लेती हूँ। सिर्फ मेरे पास बादाम और काजू था, बाकी नहीं था, तो बस मैंने यही कट कर लिया और कुछ इतना मैंने कट कर लिया है। और अब देखिए जो गाजर है वो भून चुका है, कितना थोड़ा हो गया आप देख सकते हो। इसमें मैंने खोआ डाल दिया है और 1.5 कप के लगभग मैंने दूध डाला है और दूध की जो मलाई थी ना मैंने वो भी इसमें डाल दिया और मोटी मलाई थी आप देख सकते हो। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे तब तक भूनना है फ्रेंड्स जब तक कि हलवा बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक इसे हमें मतलब चला चला के भूनना है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ और चीनी काफ़ी मात्रा में जाता है हलवे में, आपको पता ही होगा, जो लोग ये मतलब गाजर का हलवा बनाते होंगे उन्हें पता होगा। तो इसे भी मैं अभी डाल देती हूँ और ये भी जो चीनी है ना ये भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया कि इसे भी मैं भून लूँगी तो जो चीनी का पानी है वो भी सूख जाएगा। तो अभी देखिए गाजर का हलवा जो है रेडी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और थोड़ा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो अभी मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी कि पूरा हलवा में जो है अच्छे से वो मिक्स हो जाए। तो गाजर का हलवा रेडी है, इसके ऊपर बस मैं फिर से कटा हुआ जो ड्राई फ्रूट है ना वो डाल दूंगी और कुछ इस तरह दिख रहा था बनकर हलवा, बहुत ही यम्मी लग रहा था, मुँह में दोबारा देख के पानी आ गया। और फिर उस कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया, उसी में मैंने सब्जी का तड़का लगा दिया था लहसुन और हरी मिर्च से, आपने देखा ही था। तो इसमें मैं नमक हल्दी और लाल मिर्च ये सब डाल के बस मैं ऐसे ही इसे कवर करके, भुजिया तो सबको पता होगा कि भुजिया कैसे बनता है, बस इसे भूनना है। आलू जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस इसे उतार देना है। यहाँ पे दूध जो है पैकेट का आया था तो मैंने सोचा कि लाओ खोल के उसे भी मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे कि दूध भी इधर मेरा खोल जाएगा, बस मुझे रोटी बनानी है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्या बताऊँ आपसे मैं, क्योंकि दिन भर मतलब बैठे बैठे सिलाई करना मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने डिनर बना लिया कि जल्दी से बना लूँगी फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और यहाँ बच्चों का जो दूध है वो भी मैंने तैयार कर दिया है, बच्चों ने पी भी लिया है। सब्जी जो है बस ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा बस कसर है इसमें। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरा ब्लॉग तो लेट जा ही रहा है पर आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, व्यूज़ काफ़ी व्यूज़ कम आ रहे हैं, बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। 5 दिन में अगर आप 70-80-100 व्यूज़ हैं तो कुछ नहीं है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, यूट्यूब पर मुझे आगे जाना है। तो आप तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को जरा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स डिनर जो है वो तैयार हो गया है और किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ, सिंक भी साफ है, पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अभी चलती हूँ बाकी के काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने किचन क्लीन भी कर लिया है, डिनर भी तैयार है, बस बच्चों को डिनर कराना है। तो रुपेश भी मतलब पढ़ाई कर रहा था और छवि भी पढ़ाई कर रही है अभी, वो सुबह में कुछ बच्चों को लर्न करने को मिलता है तो सुबह भर में तो ये लोग क्लास करते हैं, उसके बाद ये लोग मतलब लर्न करने के लिए शाम को रहता है कि शाम को लर्न कर लेंगे। और अभी देखिए रुपेश भी लर्न कर रहा है और मैं अभी फॉल जो है वो साड़ी में लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से साड़ी तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं फॉल चेक कर रही थी कि फॉल जो है वो साड़ी में सही लगी है कि नहीं, और ये वाली साड़ी मैं गणेश चौथ में पहनूंगी तो इसे रेडी कर रही हूँ क्योंकि गणेश चौथ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रह गया है अब, और फॉल सही लगा था, अच्छा लगा था। ये सारे काम करते करते रात के 11:30 हो गए थे। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।